जब लिफ्ट फंसती है तो कैसे जान हलक में आ जाती है, इस तस्वीर को देखकर समझा जाता है। बड़े शहरों की हाईराइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सेक्टर 120 की एक नामी सोसाइटी की लिफ्ट में एक मासूम के साथ में दंपत्ति 15 मिनट से अधिक समय तक फंसे रहे। काफी प्रयास के बाद उन्हें लिफ्ट से निकाला गया। इस दौरान बच्ची रोने लगी, माँ उसको चुप कराने की कोशिश करती रही। लिफ्ट फंसने के बाद पति पत्नी और मासूम खौफ में आ गए। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 120 में प्रतीक लोरियल सोसाइटी का है। इस सोसाइटी में रहने वाला एक परिवार लिफ्ट के अंदर तकरीबन 15 मिनट तक फंसा रहा। पति पत्नी अपने मासूम बच्चे के साथ लिफ्ट में फंसे हुए बेबस नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोसाइटी के लोगों में इस घटना के बाद काफी रोष भी है। लिफ्ट बंद होने के बाद उन्होंने लिफ्ट में लिखे सभी नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लिफ्ट में सभी जरूरी बटन दबाए गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान बच्चा काफी रोता रहा। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ग्रेटर नोएडा की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में लिफ्ट फंसी हो। इससे पहले अजनारा होम्स हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट अटकने का मामला सामने आया था। सोसाइटी के बुजुर्ग दंपति लिफ्ट में फंस गए थे। लिफ्ट में बुजुर्ग दंपति के फंसने के बाद टीम उन्हें बचाने के लिए गई, लेकिन वो भी फंस गई। कड़ी मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। सोसाइटी में पिछले काफी समय से लिफ्ट की समस्या है। इसको लेकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार लिफ्ट अटकने का मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में भी अब आक्रोश पैदा हो गया है। भाई ये सोसाइटी की वर्स्ट मैनेजमेंट है, वर्स्ट सोसाइटी है। 15 मिनट से लिफ्ट में फंसे पड़े, देखो छोटा बच्चा है, तब से रो रहा है। ना मेन गेट पे कोई रिस्पांस कर रहा है, ना टावर गार्ड पे कर रहा है। अपने बच्चे के साथ फंसे हुए पति पत्नी लगातार बाहर सिक्योरिटी गार्ड और मेंटेनेंस टीम से इस बात की गुहार लगाते रहे कि उनको जल्द से जल्द लिफ्ट से बाहर निकाला जाए। उसके बावजूद भी तकरीबन 15 मिनट के आसपास का वक्त उनको लिफ्ट से बाहर निकालने में लग गया। फिलहाल सोसाइटी के लोग लिफ्ट फंसने की घटनाओं को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यूपी सरकार द्वारा लिफ्ट एक्ट कानून पास कर दिया गया है, लिहाजा नोएडा प्राधिकरण को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 18 जून को दो जगहों पर लिफ्ट अटकने के मामले सामने आए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में लिफ्ट में एक महिला मासूम बच्चे समेत कुल 4 लोग फंस गए थे। ये लोग लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे थे, अचानक से ही लिफ्ट झटका लगने के बाद रुक गई। लिफ्ट रुकते ही लिफ्ट में सवार लोग उसी के अंदर फंस गए। लिफ्ट में फंसे लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद आसपास के लोग और सिक्योरिटी गार्ड मौके पर आए और लिफ्ट को हाथों से खोलकर इन लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। लिफ्ट में फंसे लोगों ने बताया कि वो करीब 15 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। 18 जून को ही ग्रेटर नोएडा के परीचौक के पास से कमर्शियल प्लाजा में लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया। लिफ्ट में 30 मिनट तक लोग फंसे रहे। जब लोगों ने लिफ्ट के अंदर से शोर मचाया तो आसपास के मार्केट के लोग मौके पर पहुंचे और लिफ्ट को खोलकर सभी को बाहर निकाला। वैसे तो प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू है, लेकिन शायद सिर्फ कागजों में ही ये एक्ट बना हुआ है। लिफ्ट एक्ट में कहा गया था कि अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट फंसती है तो जिम्मेदारों पर एक्शन होगा, लेकिन अभी तक तो एक्शन लेने वालों का कोई पता ही नहीं है। लगभग हर रोज कहीं ना कहीं लिफ्ट हादसे हो रही हैं।